हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उपखंड अधिकारी ने सोजत रोड में लॉकडाउन का लिया जायजा। उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी ने बुधवार को लॉकडाउन की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, इसके लिए भामाशाहों के सहयोग से पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिन लोगों को गेहूं या अन्य सुविधा मिल रही है उनको ये सामग्री नहीं दी जाए। सक्षम होने के बावजूद जो लोग भोजन सामग्री की झूठी मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि अब बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। उन्होंने गेहूं घर घर जाकर वितरण करने के निर्देश दिए। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखने व बाहर से आने वालों को पाबंद करने के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार विजेंद्र सिंह भाटी, विकास अधिकारी कंवरलाल सोनी, नोडल अधिकारी जयदेव शर्मा, राजस्व निरीक्षक कमलेश मीणा, ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह, प्रकाश पालरिया, गौतम जैन, अनिल शर्मा, आलोक लड्डा, वार्ड पंच हीरालाल मारू व पूरन मारू, रोड में कोविड 19 में नियुक्त दलपत सिंह राजपुरोहित, वार्ड नियुक्त सहायक नोडल अधिकारी ओम प्रकाश वैष्णव, महेंद्र सिंह रावत, जय अब्राहम, मूलाराम, ओम प्रकाश वैष्णव, बगदाराम, भगाराम, दिनेश कुमार, चंद्रशेखर, पारसमल कलाल, सुरेंद्र कुमार व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।